साउंड क्लियर है ना?
शुरू कर तो मैं तब तक इससे चलाऊंगा काम। मैं भगदड़ में ना बैग ही भूल गया। आवाज चेक कर लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम लाइट हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जयो कृष्ण बलराम जय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, राधा रानी की जय महारानी की जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय,
की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। थाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। धन्यवाद आप सब भक्तों का, आप सबको सबसे पहले राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही पावन दिवस है, राधाष्टमी का दिवस है और राधा रानी की शक्ति ही है जो हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। वो एक ही कारण है कि हमारे पास राधा रानी की शक्ति, राधा रानी की कृपा है। तो धन्यवाद आप सबका। तो एक सुंदर से मंगलाचरण करके आज इसको फटाफट, क्योंकि कल थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो आज हम चैप्टर भी करेंगे और थोड़ा सा डाउट सेशन भी लेंगे, फटाफट करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजल शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग और भगवत प्राप्ति, ये सुंदर नाम है दो। तो प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया है भगवत प्राप्ति। तो भगवान को प्राप्त करते समय क्या मनोदशा होती है और किस मनोदशा से भगवान प्राप्त होते हैं, कैसी हमारी भगवान को जब ये शरीर छोड़ना होता है तो कैसी मनोदशा होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा अध्याय इसी पर ही है। तो कल हमने इसमें किया सातवें अध्याय में, जब भगवान ने अपने बारे में डिटेल में भरपूर मात्रा में बताया, थोड़ा नहीं कहेंगे भरपूर मात्रा में बहुत कुछ बताया। भगवान बोलते हैं सातवें अध्याय में, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान व्यान माम प्रबंध, बहुत जन्मों के बाद किसी को मेरे बारे में ज्ञान होता है। वासुदेव आय सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो सुदुर्लभ है। और भगवान बोलते हैं मत परंतर नान्यत किंच असि धनंजय, कि मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है धनंजय, मई सर्वमिदम प्रोत्रम सूत्र मणि घणाई हुआ, और मैं ही वो धागा हूँ जिसमें सारे सूत्र बंधे हुए। तो और भी भगवान ने बहुत कुछ बताया है ना इस अध्याय में। भगवान हमको फोर्स कर रहे हैं कि मेरी भक्ति करो और अपने बारे में बता रहे हैं, और सात टाइप के भक्तों की हमने चर्चा की थी। तो अब भगवान ने जब इतना सब कुछ अर्जुन को बताया तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठ गया, अगर सब कुछ आप हो प्रभु तो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, और क्या कहते हैं आदि दैवी आदि भूतम क्या है, आदि देवम क्या है, यज्ञ क्या है, यज्ञ का स्वामी क्या है, और फाइनली मरते समय हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए। तो पहले सात प्रश्नों के जवाब की, ब्रह्म कौन है, आत्मा कौन है, कर्म क्या है, और कर्म क्या है, आदि ये जगत क्या है, आदि भूतम आदि देवम देवता क्या है, यज्ञ क्या है, यज्ञ के स्वामी क्या है, इन सात प्रश्नों को भगवान ने दो श्लोकों में काट दिया। भगवान ने बता दिया ब्रह्म का मतलब क्या है, ब्रह्म और परम ब्रह्म, जीव ही वास्तव में ब्रह्म है, आत्मा क्या है वो कॉन्शियसनेस है, और कर्म क्या है जिसकी वजह से बार बार हमारा जन्म और मरण होता है वो कर्म है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि आदिभूतम क्या है, जिस स्थान पर जगत जिस स्थान पर कर्म किया जाता है उसको आदिभूतम कहते हैं। आदिदेवम क्या है, आदिदेवम समन्वय बनाने के लिए जो इस आदिभूतम में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो आदिदेवम है। फिर उसके यज्ञ क्या है, यज्ञ कौन है, यज्ञ का स्वामी कौन है, भगवान स्वयं है, और परमात्मा कौन है आपके हृदय में, यज्ञ के स्वामी ही वास्तव में परमात्मा है। और फाइनली क्वेश्चन अर्जुन पूछता है, मुझे बताइए हे कृष्ण कि अंत समय में जब कोई शरीर त्यागता है तो उसकी क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए। अब भगवान इस क्वेश्चन को पूरे अध्याय में लेकर जाते हैं। सबसे पहले अर्जुन को पांचवें श्लोक में भगवान बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं और क्या बोलते हैं, अंत काले चामामेव स्मरण युक्ता कलेवरम। हे अर्जुन, अंत में स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और स्मरण केवल मायावादियों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहता, निर्विशेषवादियों के लिए, भक्तों के लिए भी, सबके लिए स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो भगवान कह रहे हैं जो अंत में मेरा स्मरण करता है, अंतकाले स्मरण युक्त अब कलेवरम, और स्मरण युक्त युक्त रहता है कलेवरम, कलेवर होता है शरीर, जो अपने शरीर में मरते समय जब वो अंत समय में अपने मन में अपनी कॉन्शियसनेस में जैसे विचार रखता है उसको वैसा शरीर मिलता है।
तो भगवान यही बोलते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए, यह प्रयाति सब मत भावम, मेरे भाव में, भगवान कह रहे मत भावम, मेरे भाव में रहना चाहिए अंत में तुम्हारा शरीर। तो उससे क्या होगा, यांतिम नास्ति संशय, तो तुम्हारी कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। इसका पूरा पढ़ लेते एक बार, जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान ये जो शब्द बोल रहे हैं, न अस्ति अत्र संशय, तो डाउट मत करो जो मैं कहता हूँ। हमें भगवान की कोई चीज़ पर डाउट नहीं करना चाहिए, भगवान को बहुत बुरा लगता है, भगवान को सबसे गंदे भक्त वही लगते हैं जो डाउट करते हैं। ये शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते कामकारत ना असिद्धि मवाप्नोति ना सुखम ना पराम गति, तो कोई गति नहीं होती जिनके दिमाग में संशय संशय संशय। गीता पे कोई संशय नहीं, नो संशय एट ऑल, जो भगवान ने कह दिया बिल्कुल सत्य है। और ये कॉन्फिडेंस और ये फेथ दो मिनट में आने वाला भी नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ, इसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए भी आप पे कृपा भी चाहिए, ठीक है ना। तो आज कृपा का दिन है, आज श्रीमती राधा रानी का दिन है। तो फिर भगवान अर्जुन को अगले श्लोक में बोलते हैं, स्मरण इम्पॉर्टेंट है, और ये प्रयाति स मत भावम, और मेरा भाव हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये अगर भगवान बोलते हैं तो भगवान न अस्ति यत्र संशय, इसमें डाउट मत करो। फिर भगवान अगले श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं, तो हर किसी का स्मरण स्ट्रांग नहीं है, किसी का स्मरण ऊंचा है, किसी का स्मरण नीचा है, कोई थोड़ा थोड़ा कर स्मरण कर पाता है। तो भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावत त्यजन्ते कलेवरम, जब शरीर को हम छोड़ते हैं, त्यजन्ते त्यागते हैं अपने कलेवर को, तो भगवान बोलते हैं ये तत्वेति कौन्तेय, हे कौन्तेय, जो जैसे जैसे शरीर को त्यागता है सदा तत्भाव भाविता, वो जिस स्टैंडर्ड पे होता है उसको वैसी चीज़ प्राप्त होती है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड बहुत नीचा है, आप संसार में हो, आप भोगों में हो, आप मुख्य रूप से कंचन कामनी में हो, तो ऑब्वियसली आप कंचन कामनी, और आप बहुत दुष्ट हो तो ऑब्वियसली दुष्ट शरीर मिलेगा, आप बहुत पुष्ट हो तो ऑब्वियसली पुष्ट शरीर मिलेगा। तो भगवान ये बोल रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट उठता है कि एक तरफ तो आपने हमें कर्म करने के लिए बोला, पूरी गीता में 6 अध्यायों में 7 अध्यायों में कर्मों पे बहुत जोर दिया गया कि भगवान कहते हैं अन्ना भवंती भूतानि प्रजनत असंभव, और अपने कर्मों को यज्ञ बनाओ, है ना, अपने कर्म ऐसे करो। तो हमें तो समझ नहीं आया, यहाँ पे तो आपने टॉपिक ही अलग कर दिया स्मरण। तो भगवान को पता था हमारा ऐसा क्वेश्चन और उठ सकता है, तो भगवान ने इसलिए 7वां श्लोक बोलते हैं। भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धश्च, केवल अनुस्मरण नहीं करना मेरा और युद्ध भी करना है, और स्मरण नहीं है अनुस्मरण। अनुस्मरण बहुत सुंदर शब्द होता है, एक होता है भगवान का स्मरण करना, एक होता है अनुस्मरण करना। अनुस्मरण एक टाइप की हैबिट है, आप कुछ भी करने से पहले भगवान को याद कर लो, ये बहुत सुंदर है, और कोई भी कर सकता है। एक चीज़ को आदत डालनी है, एक बच्चे को आदत डालनी है सुबह मंदिर में जय जय करके आओ, है ना, जो छोटे होते थे मम्मी कहते जय जय करके आओ, जो जाते थे जय जय करके आते थे, हम भी अपने बच्चों को सिखाते जाओ जय जय करके आओ। तो उससे क्या होता है, बच्चा जय जय करने जाता है, एक हैबिट बन गई, कोई भी काम करना है भगवान को याद करते हुए, चाहे अभी हमारा पूरा मन नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी बहुत इम्प्रूवमेंट रहती है, आगे जाके उसको सपोर्ट करती है। तो भगवान कह रहे अनुस्मर युद्धश्च, युद्ध करो, और करो कैसे, मई अर्पित मन बुद्धि माम वेती है संशय। यहाँ पर भगवान कह रहे संशय मत करो, भगवान चाहते हैं कि हम संशय ना करें। 6ठे श्लोक में बोलते हैं, 7वें श्लोक में बोलते हैं संशय मत करो, संशय बहुत खतरनाक है, आपके स्मरण को खा जाएगा, आपके स्मरण को खा जाएगा। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आपको करना है तो आप स्मरण करो, और आप अगर कहते हो कि आप गृहस्थ हो मैं कैसे करूँ, तो भगवान कह रहे अपने काम करो, अर्जुन गृहस्थ है, अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्जुन आप युद्ध करो, हमें क्या प्रॉब्लम है, आप युद्ध करो, लेकिन अनुस्मरण मेरा ध्यान करते हुए युद्ध करने में क्या प्रॉब्लम है ना। तो ध्यान बहुत स्ट्रांग चीज़ है, ध्यान एक्चुअली 80% आपके सारे काम ध्यान से हो जाएंगे, आपको पता है ये बात। किसी कार्य को करोगे ना, एक जो हमारी गंदी आदत है ना, अध्यानी, हम ध्यानी नहीं, अध्यान नहीं लगाते, तो हमें काम करने पहले थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। आपको एक सेवा मिली, जाओ बच्चों को लेकर आना, जाओ आपको खाना बनाना, जाओ आपको ये करना, थोड़ा ध्यान लगाओ, मुझे करना है, अपने माइंड को एक साइकिल सिग्नल दे दो। जैसे जब हमें सब सुबह उठना होता है, हम कहीं जा रहे हैं, हमें 3 बजे उठना है, हमें पैकिंग करनी है, हमें सुबह सुबह निकलना है, हमारी 5-6 बजे की 7 बजे की फ्लाइट है, ट्रेन है, तो माइंड रात को आपको इंडिकेट कर देता है, आप 11 बजे लेट गए, 10 बजे लेट गए, तो आप सोते हुए भी आपको लगेगा, एक बार बीच में उठोगे आज अभी 1 बज गया, फिर सो जाओगे, फिर अभी 2 बज गए, फिर सो जाओगे, फिर अभी 3 बज गए, फिर उठ जाओगे, क्यों, आपका माइंड है ना वो ध्यान में है, अभी आपका माइंड उस चीज़ में है। तो सेम सिमिलर जीवन भी ऐसे ही जीना है, कोई अलग हिक एंड डाइक रूल नहीं निकालना कि हाँ ये डिफरेंट रूल निकाल के, नहीं, इट वुड बी द सेम रूल एक्चुअली, कोई अलग नहीं है, भगवान कहते सेम रूल।
तो भगवान ये बोले। और ये होगा कैसे, ध्यान कैसे होगा, तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतस न अन्य गामिनी परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयम। तो भगवान सिंपल बोल रहे, जो पार्थ मेरा स्मरण करते हो, अपना मन निरंतर में लगा के अविचलित भाव से भगवान के रूप का ध्यान करता है, मुझको अवश्य प्राप्त होता है। अभ्यास से ये अभ्यास योग युक्तेन, युक्त होना पड़ेगा, युक्त मतलब जुड़ना पड़ेगा। जुड़ना किससे है, किसी एक्स वाई जेड से नहीं जुड़ना, जुड़ना अभ्यास से है। लोग अभ्यास से नहीं जुड़ते, और जीवन में जो व्यक्ति अभ्यास करता है वो बहुत प्रगति करता है हर चीज़ में। कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का एक्सपीरियंस काउंट करता है, कोई इंजीनियर है तो उसका एक्सपीरियंस काउंट करता है, जो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो एक्सपीरियंस काउंट करता है। तो सिमिलरली जो भक्त है तो उसका भी एक्सपीरियंस काउंट करता है। तो भगवान कह रहे एक्सपीरियंस से आओ। आठ श्लोक तक भगवान स्मरण करो, उस पर फोकस कर रहे हैं, और स्मरण करने के लिए जो जो कुछ कर सकते हैं, कर्म भी करना है, एक्सपीरियंस भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए, स्मरण करो। और जितना मात्रा में आपका स्मरण होगा, यम यम वापिस मत्य जनत कलेवरम तत्य तम वेति कौनते, जितना जितना आपका स्मरण होगा सदा तत्भाव भाविता, उसी भाव को प्राप्त होगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। फिर भगवान नौवें से बारहवें श्लोक तक अर्जुन को 9, 10, 11, 12 चार श्लोकों में स्मरण की अलग अलग विधियाँ बता रही, आँखों को यहाँ करो, श्रवण करो, ये करो। फिर तेरहवें अध्याय में, तेरहवें श्लोक में भगवान स्मरण की जब विधियाँ बता देते हैं तो भगवान बहुत सुंदर बोलते हैं, बोलते हैं ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। तो एक अक्षर है ओम, तो ओम को क्या करो, व्यवहार है ना माम अनुस्मरण, तो व्यवहार में लाओ मुझको, कृष्ण को है ध्यान अनुस्मरण करो। यह प्रयाति त्यजन देहम, और जब इसको करोगे तो त्यजन देह, जब देह छोड़ने लगोगे तो सयाति परमाम गति, तुम्हारी अच्छी गति होगी। तो भगवान बोलते हैं क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको स्मरण करना पड़ेगा, इसको क्या करना, व्यवहार में लाना पड़ेगा ओम को। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है भगवान, और यहाँ पे भगवान ने कंडीशन लगा दी, यह प्रयाति त्यजंत देह, शरीर छोड़ते समय। फिर 14 श्लोक में भगवान कंपेयर कर रहे हैं, भगवान इस अध्याय में 2-3 बार कंपेयर करेंगे। तो अभी यहाँ पे पहली बार हम कंपेयर करें, फिर भगवान कह रहे ठीक है, यह प्रयाति जब तुम्हारा त्यजन देह, जब अपने शरीर को छोड़ोगे तो ओम तुम्हारी बड़ी हेल्प करेगा, लेकिन उससे भी अच्छी मैं ऑप्शन देता हूँ तुमको, आई विल गिव यू बेटर ऑप्शन। भगवान बोलते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश, जो नित्य मेरा स्मरण करता है। तो भगवान कहते हैं तस्य हम सुलभ पार्थ, मैं बहुत सुलभ हूँ उसके लिए, मैं मुश्किल नहीं हूँ। नित्य युक्त योगी नाम, नित्य युक्त से योगी नाम, तो योगी बन जाओ, नित्य युक्त हो जाओ, और सुलभ है ये, आसान तरीका है, मुश्किल तरीका नहीं है, इट्स इजी टास्क, यू कनेक्ट विथ मी। तो भगवान ने सिंपल अर्जुन को बोल दिया, तो इजी तरीका तो ये है, तुम मुझसे नियम कर ले। भगवान 15वें श्लोक में बोल के, 16वें श्लोक में, 14 श्लोक तक बोल के, 15वें श्लोक में भगवान खुश होकर बोलते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो तुझे मिलेगा क्या। भगवान कहते हैं माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखाले अशाश्वत, दुखाले से बाहर निकल जाएगा, ये अशाश्वत जगत से, जो शाश्वत नहीं है अशाश्वत है, निकल जाएगा। भगवान बोलते हैं नापनुवंति महात्मा नाम समसिद्धि परमम गति, और तेरी परम गति हो जाएगी। बहुत सुंदर भगवान बोलते हैं, और इस जगत को डिक्लेयर कर देते हैं कि दुखालय है। इस श्लोक में भगवान दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो बोलते हैं अब के महात्मा बनना है, नापनुवंती महात्मा नाम समसिद्धि परमम गति, महात्मा बनो परम गति प्राप्त करो। क्यों, क्योंकि दुखालय है जगत, माम उपेते पुनर्जन्म, यहाँ पे बार बार जन्म है, बार बार मरण है, पुनर्जन्म है। तो भगवान कहते हैं माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत, दुखी दुखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे दुखों में तो पड़ा हुआ है, क्यों पड़ता है भाई, निकल इन दुखों से, क्या जरूरत है तुझे दुखों में पड़ने की। कृष्णा हमें फोर्स कर रहे हैं कि इन दुखों से बाहर निकलो, वंडरफुली कृष्णा इसे। फिर भगवान आगे 16 श्लोक से लेके लगभग 21 श्लोकों तक इस संसार की गणना बता रहे हैं कि इस संसार की ये गणना है कि ब्रह्मा जी का एक दिन है, उस दिन में मैं एक बार आता हूँ, दिन के समय ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, रात के समय सृष्टि नहीं होती। तो 4-5-6 श्लोकों में भगवान 21 श्लोकों तक यही चर्चा कर रहे हैं। फिर भगवान 22वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक कंपेयर कर रहे हैं, दोबारा क्या कंपेयर कर रहे हैं, पहले कंपेयर किया इसको, अब दोबारा कंपेयर कर रहे हैं सेकंड टाइम, मतलब बीच में भी थोड़ा सा कंपैरिजन था लेकिन हमने उसको स्किप किया बिकॉज हमें अभी डाउट सेशन भी लेना है एंड वी हैव अ लिमिटेड टाइम। बट 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं पुरुषम स परम पार्थ भक्त्या लभ्य तू अन्य 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 अनन्यता की बात फिर कर रहे हैं ना। भगवान आगे बोलते हैं अनन्य अन्य यस्य अंतस्थानी भूतानी चेन सर्वमिदम ततम। भगवान जो सबसे महान है अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता, सबसे महान भगवान को अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वहाँ पे बोल रहे थे ना ओम इति अक्षरम एकम, एक अक्षरम, और यहाँ पे वहाँ पे सुलभ पार्थ, और यहाँ पे भी यही कर रहे हैं।
और यद्यपि वह अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वह सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर आगे 23 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति उत्तरायण में जाते हैं, 24वें श्लोक में उत्तरायण में जाते हैं, सुबह के समय जाते हैं, 6 महीनों में जाते हैं, वो अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। जो लोग दक्षिणायन में जाते हैं, और कौन से पक्ष को जाते हैं, कृष्ण पक्ष को जाते हैं, दक्षिणायन में जाते हैं, नीचे चंद्रलोक की तरफ जाते हैं, उनकी गति निम्न होती है। फिर भगवान आगे बताते हैं 26वें श्लोक में कि दोनों की गति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 27वें श्लोक में भगवान बोलते हैं लेकिन मेरा भक्त दोनों रास्ते जानता है, दोनों रास्ते जानता है, मेरा भक्त महान है, वो कोई भी रास्ता चूज़ करता है उसके ऊपर है। क्योंकि जनरली क्या है, जो साधु लोग होते हैं ना, संत लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, वो अपने समय को चुनते हैं कि हम इस समय शरीर त्यागेंगे, हम उस समय शरीर त्यागेंगे। लेकिन भक्त के लिए सभी समय अच्छा है। भक्त को सदा दिवाली आठों पहर आनंद, भक्त हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा दीपावली में मनाता रहता है। तो यहाँ पे भक्त की चर्चा हो रही है। फिर आखिरी फाइनली भगवान इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं विद अ डिवाइन श्लोका। वेदेशु यज्ञेशु तपसु चेव दानेशु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्येति तत्स्वरमिदं वित्त्वा योगी परमां स्थानो उपेति चाद्यं चायम। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे एक शब्द है अत्येति। अत्येति मतलब होता है लांगना। भगवान कहते हैं भक्त जो है वो अत्यति करता है, लांग जाता है, लांग जाता है। किसको? वेदेशु यज्ञेशु दानेशु तपेशु है युक्त फलम प्रदिष्टम, जो फलों सबको लांग के क्या करते हैं अत्यधि तत् सर्व इदम विदित्वा। विदित्वा का मतलब होता है, यहाँ पे विदित्वा का मतलब लिखा हुआ है जानकर, भक्त जानकर, भगवान का भक्त जानकर। विदित्वा, विदित्वा मतलब जानकर, किसको किसको अत्यति को पार कर जाता है, लांग जाता है इन सबको तपस्या। तो यहाँ पर जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक सकाम कर्म करने वाले फलों से वंचित नहीं होता, उसको ऑटोमेटिकली ही विल गेट एवरीथिंग। जैसे 2000 का नोट, अब तो बंद हो गया, अभी तो चलेगा, अभी कितने दिन है आज, आज है 22 तारीख, नहीं 23 तारीख, तो अभी 7 दिन के लिए और है, तो हम ले सकते हैं अभी 7 दिन। तो 2000 के नोट के अंदर सारे नोट है, 500 का भी 100 का भी, तो इसलिए। लेकिन जो नोट बड़ा है, तो उसी प्रकार भक्ति मार्ग में वेदेशु यज्ञेशु तपेशु और दानेशु सब इन्वॉल्व है, इसलिए भक्ति इंपॉर्टेंट है, इसलिए भक्ति टॉप मोस्ट है। और भगवान कहते हैं वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में वह परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। फाइनली यू गेट द परफेक्शन। वाई? बिकॉज ही हैज चूजन द पाथ ऑफ परफेक्शन, पाथ ऑफ डिवोशन, पाथ ऑफ भक्ति। So he'll get everything. That is a wonderful chapter. Here's a comparison between, in this chapter there's twice and thrice comparison between the Anya Yoga with Bhakti Yoga. और अन्य योगों को भी बहुत ही ऊँचा बता के फिर भक्ति योग को उनसे ऊँचा बताया। आप समझ रहे हो? तो ये इस अध्याय का सबसे सुंदर पॉइंट है। ये अध्याय इतना सुंदर है, इस अध्याय में इतना सुंदर तत्व है, तो हमें समझना चाहिए कि कृष्णा कैसे 2-3 बार इस अध्याय को हमें डेलिब्रेटली बोल रहे हैं कि हमको भक्ति को चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं, हमारा टाइम भी हो गया है। मैंने सोचा था इसको फास्ट लेंगे, तो मैंने बहुत फास्ट लिया, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज कल थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था, आज थोड़ा क्लीन हो गया सम हाउ, आई डोंट नो, कल थोड़ा प्रॉब्लम था वायर्स का कुछ। तो अब आप लोगों से एक सुंदर सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप, यू हैव 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स, यू मे आस्क मैनी ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या समझ में आया, क्या आपको समझना है इस अध्याय में, और भी कोई आपके क्वेश्चन है तो वी कैन टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। आपको समझ में आया ये अध्याय? थोड़ा मैंने बताया, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को। तो इसको कोशिश किया थोड़ा और सरल बनाने का, तो ये थोड़ा बना है। तो एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, यू कैन राइट हियर ऑन द लाइव चैट। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे।
हरे राम हरे राम। सुमन मीना माता जी का क्वेश्चन है प्रभु जी, अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? अनन्य भक्ति का मतलब क्या है? बहुत सुंदर है, क्योंकि इस अध्याय में 3-4 बार बोला गया भगवान ने, भगवान 3-4 बार बोल रहे हैं इस अध्याय में अनन्य भक्ति क्या है। अनन्य भक्ति का मतलब होता है अन्य किसी की भक्ति ना करना है। अनन्यता न अन्य इति अनन्यता, कोई और नहीं, मेरो तो मीरा, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो अनन्यता भक्ति का मतलब है जब आप पूरी तरीके से कन्विंस हो कि कृष्ण ही भगवान है, जब आप पूरी तरीके से कन्विंस हो कि राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। आपने शास्त्रों का मर्म जान लिया कि भगवान कृष्ण ही है, आपने मर्म आपको समझ में आ गया कि जितने भी भगवान के असंख्य असंख्य जो अवतार है या देवी देवता, ये भगवान की कलाओं के कलाएँ के कलाएँ हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इतने चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गीता हमें फोर्स करती है अनन्य भक्ति करने के लिए, और अनन्य भक्ति करना बहुत सुंदर है, इससे सुंदर कोई भक्ति नहीं है अनन्य भक्ति। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 9वें अध्याय में, अगली बार हम लेंगे, अनन्य शिंचंतो माम ये जना परुपासते तेषाम नित्यभ्युक्ता नाम योग क्षेमम वहाँ में हम। भगवान कहते हैं जो मेरी अनन्य भक्ति करता है मैं उसके बाद जो नहीं है वो देता हूँ, और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। अनन्य भक्त के ऊपर भगवान बहुत कृपा करते हैं, अनन्य भक्त बहुत प्रिय है भगवान को, अनन्य भक्ति करनी चाहिए। और ये हम यहाँ पे जो पूरा का पूरा गीता सेशन हो रहा है, ये जो ये हमारा DKG चल रहा है, डिवाइन नॉलेज ऑफ गीता, ये बेसिकली आप लोगों को अनन्यता पता चले भगवान के प्रति, यही हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे कोई क्वेश्चन है? हिमांशु शर्मा प्रभु जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्त परिवार का बच्चा जो बचपन से भक्ति करेगा, हाँ, वो पिछले जन्म में अपने पेरेंट्स से ज्यादा भक्ति करके आए हैं ना, क्योंकि उनके पेरेंट्स बाद में भक्त बने। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी होता, कई बार भक्तों की कृपा हो जाती है। अकस्मात आप चल रहे हो, भक्त ने आपको किताब दे दी, आपने ले ली और आपका उज्ज्वल हो गया सब कुछ, तो भी ऐसा भी होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि भक्त आपके नॉर्मल परिवार में हुए, लेकिन क्या पता आपकी सरलता के कारण, आपके अच्छे गुण के कारण कृष्ण ने आपको पसंद किया और आपको कहा चलो इसको भक्त बनाते हैं, और इसके थ्रू इसकी फैमिली को भक्त बनाते हैं। डेट माइट बी पॉसिबल, और हो भी सकता है कि पिछले जन्म की सुकृति भारी हो तो आपको इस जगह जन्म दे दिया। तो ग्रहणा कर्मणा गति, कर्मों की गति इतनी गहना है, इसके लिए राइट बोलना बिल्कुल राइट नहीं होगा। राइट यही बोल सकते हैं कि आप जिसको मिल गई है भक्ति, जिसको भगवान के बारे में पता चल गया, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम दलदल में फंसे हैं और हम यही इसी पे मेडिटेट करते हैं, हम कैसे फंसे हैं, तो वो इतना अच्छा पॉइंट नहीं है। अच्छा पॉइंट है हम फंस गए, अब निकलना कैसे, डैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ठीक है, तो इसलिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कर्मण्य बोधव्यम, बोधव्यम से विकर्मण, विकर्मणश्च बोधव्यम, ग्रहणा कर्मणा गति, कर्मों की गति बहुत गहन है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे हुए। अच्छा, कैसे हुए पता नहीं, कैसा हुआ, हाँ तो भक्त है ना। हाँ, ये निर्विरोध सिद्धांत है कि भक्ति भगवान के भक्त ही देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, चित्रा मालिनी माता जी। हाँ बताओ। अंत समय में कृष्ण के स्मरण के लिए जीवन पर्यंत कृष्ण का स्मरण करना होगा, इसको जीवन में कैसे लाएं? अगर ये सोच के रहोगे कि अंत समय कृष्ण का स्मरण हो जाए तो अभी हम बैठे रहते, कृष्ण स्मरण स्मरण, ऐसे नहीं होता। कृष्ण का स्मरण करने के लिए अंत समय नहीं, जो समय अभी मिला उसी समय कृष्ण की सेवा करो। भगवान कहते हैं अतः कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राम में सेवन मुख है ये जीवा दो स्वयं में सुरित। कई चीज़ों को स्वयं होने दो, प्रेम को स्वयं होने दो, प्रेम को ना ये जितने भी हमारे सेगमेंट है ना कि हम ज्ञान के आधार पर हमें पता चल गया अब हम ऐसा कर लेंगे, कोई भगवान मुझे आपका स्मरण हो या आपका स्मरण ना हो, मुझे तो बस मुझे बोल दिया प्रभु जी ने, माता जी ने, गुरु महाराज ने, मुझे तो करना है। आई डोंट नो स्मरण हो आपका नहीं हो, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है मैं आपका स्मरण कर पाऊँ, आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, पूरे फ्री हो जाओ भगवान के स्मरण के ऊपर। कॉन्सेंट्रेट कर करके ना इंसान क्या करता है, ज़्यादा परेशान हो जाता है। स्मरण करो भगवान का, लेकिन ये सोच के कि अंत में मेरे को स्मरण होगा तो क्या होगा, अंत में क्या होगा, अंत आ गया तो क्या, इसको वातादि यदि दोषेण मत भक्ता माम ना स्मृत, एक और फॉर्मूला भी है, अगर किसी की वाणी में दोष आ गया, वाक में दोष आ गया, मत भक्ता माम ना स्मृत, और मेरा भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाया, भगवान कहते हैं हम स्मराम ही मत भक्ता, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ, नायामी परमम गति, और उसको परम गति देता हूँ। तो इसलिए स्मरण आपको करना है, अपनी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व में रखना है, और स्मरण हमेशा होना चाहिए, लेकिन स्मरण कंडीशन में नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है स्मरण, ये नेचुरल स्मरण एक टाइप का प्रेम है। माता को बच्चे को याद नहीं करना कि मेरे को स्मरण करना है,
बच्चे का स्मरण, बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं भूखे होंगे, ये माता को स्मरण ही रहता है, पिता को शायद नहीं रहता, पिता को जनरली नहीं रहता, माता को रहता है। उसको खाया, उसने 2 बजे खाया था, 7 बज गए, अच्छा मेरी धर्मपत्नी बोलती है बच्चे ने 2 बजे खाया ना, 2 बजे खाया था, ठीक है, तो माताओं को याद रहता है। तो स्मरण नेचुरली होना चाहिए, और नेचुरली तब होता है जब नेचुरली भगवान के लिए या किसी के लिए कार्य होते हैं। स्मरण जरूरी है, यहाँ भगवान बोलते हैं, लेकिन स्मरण के साथ आपने पूरा श्लोक सुना है, भगवान बोले तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धश्च, कूदो कूदो कूदो, और मई अर्पिता मन बुद्धि मां वेदीय संचय, मुझे अर्पण करते हुए चलो, अर्पण करो भगवान को और स्मरण करो, डेट वुड बी वंडरफुल, ठीक है। तो डोंट वरी, स्मरण हो जाएगा, लगे रहो। हरे कृष्णा। इसी क्वेश्चन में आगे माता जी पूछ रही हैं, प्रभु जी कृष्ण के स्मरण के लिए कृष्णमय वातावरण कृष्ण ही बनाते हैं या हमारे कर्म? दोनों बनाते हैं, कृष्ण भी बनाते हैं और हमारे कर्म भी बनाते हैं। वातावरण बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कृष्ण भी बनाते हैं और हमारे कर्म भी बनाते हैं। लेकिन इन दोनों से सुंदर एक और चीज़ है कि कृष्ण बनाते हैं या वातावरण बनाते हैं, सबसे सुंदर है कि आपकी सुंदर इच्छा बनाती है। महाराज बोलते हैं डिज़ायर डिज़ायर राइट, डिज़ायर फॉर डिज़ायर राइट, अच्छी इच्छा से अच्छी चीज़ें बनती है। जब हम पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव सोचते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होती है। जब हम चीज़ों के प्रति संशय में रहते हैं, जैसे भगवान ने बहुत बोला, तो चीज़ें संशय के साथ निकल कर आती है। हमें पॉजिटिव रहना है, हमारे और हमारा एक स्वभाव होता है, वो हमेशा हमारे साथ डोलता रहता है ना, जैसे डोलना डोलना स्वभाव का कारण है, वो डोलता है। तो इसलिए उस स्वभाव को डोलने दो और आप पॉजिटिव रहने का प्रयास करो और पॉजिटिव कार्य करने का स्वभाव करो, वातावरण अपने आप देर सवेर बन जाता है। डोंट वरी, वो अपने आप कृष्णा बना देते हैं, लेकिन सुंदर इच्छा होनी चाहिए। जब कोई इच्छा आती है ना, कोई इच्छा यहाँ पर आती है तो वो एग्जीक्यूट होती है। जैसे हमने बहुत सुंदर मंगलम वन किया, देन वी डिज़ायर्ड बिफोर कि हमें वो नहीं करना, हमें ये करना है। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आया, बहुत दिक्कत आई, कुछ सुख हुआ, कुछ दुख हुआ, कुछ अच्छा हुआ, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई जो हमें समझनी चाहिए, जो वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी, वो चीज़ हुई। डिज़ायर थी ना, सोच था, उस सोच से काम हुआ, बड़ी बड़ी सोच। महाराज बोलते हैं थिंक बिग। प्रभुपाद ने सोचा कि मुझे पाश्चात्य देशों में करना है, सोचा, उसके बाद उस पर एप्लीकेशन, कितनी अजीब अजीब सी एप्लीकेशन, उनको उनके पास क्या कहते हैं, एयर की टिकट नहीं है, शिप के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे गए, वहाँ पे लोग नहीं हैं, अंग्रेज। आप देखो, आप प्रभुपाद की जगह अपने आप को फिट करें प्रभुपाद की जगह। चलो प्रभुपाद के बाद एक एडवांटेज था, शायद आपके पास भी हो, थोड़ा थोड़ा हमारे पास भी हो, प्रभुपाद अंग्रेजी बोलना जानते थे। चलो वो तो अगर किसी को नहीं भी आती तो 6 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके भी सीख सकता है, और कुछ प्रभुपाद के बाद और इतना कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज़ थी, डिज़ायर थी, बहुत स्ट्रांग डिज़ायर थी कि वहाँ पे जाऊँगा। 70 साल की उम्र में शक्ति भी शरीर में उतनी नहीं रहती, लेकिन भगवान की शक्ति पे बहुत विश्वास था। वहाँ पे जाऊँगा, उन लोगों को क्या कहूँगा, तुम नाम लो, तुम्हारा धर्म, तुम क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हो गलत है, सही है, या क्या बोलूँगा उनको मैं, और मेरे को क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या, इतना विचार, इतना आइडियाज़। प्रभुपाद एक ही चीज़ लेके गए, सुंदर इच्छा। सुंदर इच्छा लेके कहीं भी कूद जाओ, कहीं भी कूद जाओ, किसी एरिया में कूद जाओ सुंदर इच्छा के साथ। यू वॉन्ट टू प्लीज गुरु गौरांगा, यू वॉन्ट टू प्लीज ऑल योर सीनियर्स, देन यू थिंग विल हैपन। ठीक है, हरे कृष्णा। हिमांशु शर्मा प्रभु जी बता रहे हैं कि उनके जीवन में आप भी आए थे और शिमला के अंदर आप ही ने बुक दी थी। हाँ, तो देखा ना, तुम जुड़ गए शिमला में, किताब हुआ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ शिमला में, तो आप जुड़ गए, तो ऐसे ही होता है। तो अभी शिमला में दोबारा प्रोग्राम बनाएंगे, तो दोबारा आपको साथ लेके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, सुमन मीना माता जी का, प्रभु जी काम करते हुए कैसे भगवान को स्मरण करें, ऐसे तो फिर काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और मिस्टेक भी बहुत होंगी। देखो, काम करते हुए भगवान का स्मरण करने का मतलब ये नहीं है आप खाना बना रहे हो और सोच रहे हो अरे मैं तो वहाँ पे हूँ राधा रानी से, राधा रानी का। एक्चुअली स्मरण का आप कॉन्सेप्ट समझो, स्मरण का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है। स्मरण का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप खाना बना रहे हो, आप गंदे विचारों में मत बनाओ, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, और जब आप ये गंदे विचार आ रहे हैं उनको निकालो और बोलो कृष्णा मेरे मन में इतने गंदे विचार आते हैं, मैं कितनी गंदी हूँ, मैं कितना गंदा हूँ, और फिर आप कृष्णा के बारे में सोचो, कृष्णा आप कितने अच्छे हो, आप मेरे अंदर सुंदर विचारों को कैसे प्रकट करोगे। गंदी चीज़ें ना आना, उनको रोकना भी अच्छे विचार है। अच्छे विचार जो भगवान की लीलाओं के हैं उनको ना भी आ रहे, लेकिन जो गंदे विचार आ रहे, द्वेष आ रहा है, इसने ऐसा किया, इसको मैं बताऊंगी, और कड़छी हिल रही है तेज और बता रहे हो उसको,
लेकिन उसके ऊपर विचार है, मैं गंदे विचारों से बाहर भागती हूँ, मुझे गंदे लोगों का, आई डोंट नो, आई डोंट वांट ऑल दिस नॉनसेंस थिंग, कृष्णा व्हाई माय माइंड इज सो डर्टी, व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दिस, व्हाई, तो कृष्णा उसको ठीक करेंगे, कि आप चाहते हो ठीक होना, तो ये भी एक प्रकार का अच्छा विचार है। गंदे विचारों को रोकना भी सबसे सुंदर विचार है, ये करना है हमको प्राइमरली स्टेजेस पे। हम क्या करते हैं प्राइमरली स्टेज पे, हमें भगवान की लीला, वो आएगी कैसे, अभी तो अंदर बड़ी सफाई का टाइम, अभी तो 2 साल 5 साल माला करो भाई, अभी जो गंदे विचार आ रहे कृष्ण से प्रे करो ना, है यही सबसे सुंदर अनुस्मरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, गीता माता जी का। ओके, भगवान एक ही है तो सब डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं? हरी बोल, भगवान एक ही है तो डिस्क्रिमिनेट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपको ढंग से समझ में आ जाए, सब कुछ एक है फिर भी अलग है, है ना, सब कुछ एक है फिर भी अलग है, ये जगत पूरा एक ही भगवान से बना हुआ है फिर भी अलग अलग लोग हैं, क्योंकि वेराइटी इज़ ए मदर ऑफ एन्जॉयमेंट, हमें एन्जॉयमेंट के लिए भगवान के साथ ही एन्जॉयमेंट के लिए, जगत में एन्जॉयमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए, सॉरी, जैसे 56 भोग लगाते हैं तो अलग अलग लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, तो सुंदर इच्छाएं सेवा के लिए बहुत इच्छाएं होनी चाहिए, इसलिए अलग अलग है और एक है, एक हो जाता है जब भगवान से जुड़ जाते हैं। तो शिव जी और कृष्ण में क्या फ़र्क है, वो दूध और दही का फ़र्क है, शिव जी कृष्ण दूध है और वो दही है, बनी दूध से ही है, लेकिन दोबारा दूध नहीं बन सकती, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड शिवा, और शिव जी भी भगवान की सेवा के लिए ही है, तो ये समझना पड़ेगा, हमारी शिव तत्व पे पूरी क्लास है, वो क्लास आप सुन सकते हो, ठीक है, अदरवाइज तो पूरा एक इसे पूरा एक क्लास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रभु जी, दर्पण हेयर आर्टिस्ट प्रभु जी का, प्रभु जी मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है, धर्म एक है सनातन, पर क्यों सबसे ज़्यादा सनातन में नास्तिक हैं, बाकी कोई और धर्म में नहीं, सब इंसान के बनाए हुए हैं, और ये जितने जमीन के नीचे दबा दिए जाते हैं क्या इनको भी मोक्ष मिलता है, इनका क्या होता है, होता होगा, सारे रीति रिवाज अलग हैं, तो ये देखो, ये जो एक होता है धर्म और एक होते हैं पंथ, पंथ बनाते हैं हम लोग, धर्म एक ही है, भगवान बोलते हैं सवे पुंसा परो धर्म यजर भक्ति अधोक्षस, सबसे सुंदर धर्म है परो धर्म, वो भगवान की भक्ति है, लेकिन जब धर्म हम ढंग से नहीं कर पाते तो हम अलग अलग पंथ बना देते हैं अपनी लिवरेज के लिए, हमें मांस खाना है तो लिवरेज बना देंगे, पंथ बन जाएंगे, हमें शराब पीनी है तो पंथ बन जाएंगे, हमें गलत काम करने हैं तो अलग अलग पंथ, छूट के साथ, डिस्काउंट के साथ, ऐसे ऐसे पंथ बनते रहते हैं, तो मुख्य रूप से यही होता है, ठीक है ना, तो सनातन है तो क्यों सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप कहोगे कन्वर्जन, सबसे ज़्यादा लोग कन्वर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ईजी है, आपको बोल देंगे आप निराकार हो जाओ, आप नॉनवेज खा लो तो आपको कि बढ़िया यार ये इसको फॉलो कर लेता हूँ, यहाँ तो बहुत नियम है, आपको कहेंगे आप किसी और पंथ को फॉलो कर लो, आप कुछ भी खाओ पियो कोई फ़र्क ही नहीं है, खाओ पियो मज़े करना, लोगों को शारीरिक सुख चाहिए, जीवा का सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, यहाँ पे आओगे कहोगे प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, 4 नियम है, अवैध संबंध छोड़ो, है ना, मांसाहार छोड़ो, नशा छोड़ो, जुआ छोड़ो, हम लोग इसी में पड़े हुए हैं, हम इसी में पड़े पड़े रहते रहते अपना साधना करना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोग इधर उधर भागते हैं, इधर उधर करते हैं, तो ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं, इस वजह से कंसेशनल धर्म बन रहे हैं और उसको अलग एंगल से पंथ कहते हैं, जैसे आप समझो इतने सारे निराकार और मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे अलग अलग पंथ हैं, तो उन लोगों का क्या ऑब्जेक्टिव है, उन लोगों का वो ज़्यादातर कोई कहता है कि भगवान परमात्मा है ना, छतरपुर में कोई कहता है कि भगवान परमात्मा है, कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है कि ऊपर से काल है, सब अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तो सबका अपना एक मार्केटिंग चाहिए, और हम लोगों को कुछ आता नहीं है, हम लोग अनाड़ी है, हम लोगों को हल्को ही कन्विंस कर लेता है, क्योंकि हम 0% अपने शास्त्रों से जुड़े हुए हैं, बाकी आप देखो चाहे कोई कुरान से जुड़ा है, कोई ग्रंथ साहब से जुड़ा है, या कोई बाइबल से जुड़ा है, या कोई ज्यूज है, जिससे भी जुड़े हैं, वो थोड़ा फोकस है, ग्रंथ साहब वाला अपनी ग्रंथ साहब की बहुत इज्जत करता है, सिर पर लेकर जाता है, ऑनर करता है, उसको पंखा करता है, शास्त्र को इतना करता है वो बड़ा, तो उसका रिस्पेक्ट बन जाता है, कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं टोपी लगा के, उसका रोज़ ऑनर करते हैं, हम लोग गीता पढ़ते नहीं हैं, हम लोग भागवत पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए हम में ज़्यादा कन्वर्जन होता है, लेकिन हमें जो हम लोगों को कोई तोड़ के दिखाए, हम लोग गीता पढ़ते कोई तोड़ के दिखाए, हमको कोई नहीं तोड़ सकता, क्यों नहीं तोड़ सकता, आपको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आप गीता भागवत पढ़ते हो, आप भी छोड़ दो आपको भी कोई भी तोड़ लेगा, आपको क्लियर हो जाएगा ना, गीता में भगवान क्लियर कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभु मत सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता, तो ये डिपेंड करता है आप कितना, और फिर उनको हम दोबारा क्यों नहीं सनातन बना पाते, क्योंकि वो शास्त्र लेके वहाँ पक्के हो जाते हैं, तो उनको भी हम तोड़ नहीं सकते,
ये रीज़न है। जो पक्का होता है, जो स्कूल में पक्का है ना, पढ़ाई में वो पक्का है। ये बिल्कुल एक टाइप की पढ़ाई है आपकी, इसमें पक्का होना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये रीज़न है, दिस इज द बिग रीज़न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, समर्पित गोपी माता जी का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी उन लोगों को कैसे समझाएं जो ये बोलते हैं कि भगवान कभी भाव, भगवान भी भाव के भूखे होते हैं, उन्हें मन से याद कर लो काफ़ी है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। नहीं, भगवान भावग्राही जनार्दन है, वो सही बोलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान आपका भाव ग्रहण करेंगे? उसके लिए तो ज्ञान चाहिए ना, भाव को ग्रहण करने के लिए तो ज्ञान चाहिए। आप मेरे भाव को कैसे जान पाओगे? ज्ञान से तो जान पाओगे मेरे कैसे भाव है। आप मुझसे मिलोगे, मुझे जानोगे कि परेश प्रभु को ये अच्छा लगता है, परेश प्रभु को ये अच्छी आइटम है, ये उनको खाने में पसंद है, उनको घूमने में, तो कैसे जानोगे? जब मेरे बारे में ज्ञान लोगे तो जानोगे। अगर आप कृष्ण के भाव की बात करें तो कृष्ण को जानो तो सही। तो भगवान कहते हैं मुझे जानना ज़रूरी है, तो जानोगे तो ढंग से पकड़ पाओगे ना। बिना जाने भगवान को कैसे पकड़ पाओगे? फिर तो मन से चलेगा, मनोरथो धावतो अस्तो, भाई मन के रथ पे भागते रहो। हरे र भक्तस्य कुतो महत गुणा, जो हरि का भक्त है उसमें महान गुण कहाँ से आएंगे? केवल मनोरथो धावतो अस्तो, भाई मन के रथ पे भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि वो उसने शास्त्रों को नहीं पढ़ा। उस भाव को ग्रैब करने के लिए, भाव को पकड़ने के लिए आपको सुंदर ज्ञान चाहिए। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धा भाव, बुद्धि मतलब बुद्धि एंड भावना दोनों, कृष्णा की रिक्वायरमेंट है दोनों। कृष्णा एक चीज़ नहीं कह रहे, कृष्णा कह रहे बुद्धा भाव समन्विता, समन्विता यू हैव टू समान करना है बुद्धि और भाव को। अगर आप बुद्धि भाव समन्विता नहीं हो तो कैसे होगा बाबा? नहीं होगा। तो बुद्धा भाव समन्विता, बुद्धा भाव समन्विता करना है। केवल भाव भाव समन्विता नहीं है, बुद्धा भाव समन्विता। उनको समझाओ भगवान हमें ऐसे बोल रहे हैं, हमें भगवान कह रहे हैं मेरे भाव को जानो, तभी तो भावग्राही जनार्दन आपके भाव ग्रहण करेंगे। जब आपको भाव, भगवान के भाव ही नहीं पता, तो केवल आप अपने भाव से कर रहे हो और आप फिर फाइनली आप भाव खा रहे हो, भगवान को नहीं समझ रहे हो। जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझता शास्त्रों से, अपने हिसाब से भाव की बातें करता है, वो केवल भाव खाता है, वो भाव में नहीं है। ही इज़ नॉट इन भाव, ही इज़ नॉट एट ऑल इन द भावस, वो अपने भाव खा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द वे एक्चुअली। हरे कृष्णा। बाबू जलेला प्रभु जी का। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है, उनका क्या करें? हाँ, तो कर्म ही पूजा है, लेकिन हम कहते हैं पूजा ही वास्तव में सबसे सुंदर कर्म है, उल्टा कहते हैं ना। तो कर्म ही पूजा है, तो कर्म करो और पूजा, पूजा को पकड़ो, तो यही कहते हैं। तो उनको बोलो आप ऐसा करो, लेकिन भगवान ऐसा नहीं बोलते। भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बोलते हैं, बुद्धि युक्त जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृत। हे अर्जुन, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, जो बुद्धि युक्त लोग है, जहाति उभे सुकृत दुष्कृत, वो अच्छे कर्मों से और बुरे कर्मों से, उभे दोनों से क्या करते हैं, जहाति ही मुक्त हो जाते हैं। ये कर्म ही तो बंधन का कारण है, हमको पता ही नहीं हमारे बंधन का कारण क्या है। भगवान गीता में बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ये है। कई लोग बोलते हैं भगवान गीता में बोलते कर्मण्य अधिकार से माफलेशु कदाचिन, भगवान यहाँ कर्म करने के अधिकार की बात कर रहे हैं, कर्म पूजा नहीं बता रहे। आपको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल का अधिकार नहीं है। तो ये कह रहे हैं पहली चीज़। और दूसरी चीज़ भगवान कह रहे हैं, अच्छे कर्म भी बांधते हैं और बुरे कर्म भी बांधते हैं। आप अच्छा करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, लेकिन जन्म तो मिलेगा, फ़ायदा क्या दोबारा से जन्म लेने का, समझ रहे हो? बुरा करोगे तो ऑब्वियसली बुरा जन्म मिलेगा। तो भगवान कहते हैं बुद्धि युक्त जहाती, जो बुद्धि युक्त लोग है जहाती, वो मुक्त हो जाते हैं। उभय सुकृत दुष्कृत, अच्छे कर्मों से भी बुरे कर्मों से भी। तस्मात योगाय योयस्व, और वो क्या करते हैं, योग से युक्त होते हैं। उसको क्या कहते हैं, योग कर्म कौशलम, और वो वास्तव में कुशलता का कर्म है। तो कुशलता क्या है, कर्मों की कुशलता यही है कि यू हैव टू बी सेपरेट फ्रॉम अच्छा कर्माज और बुरा कर्माज दोनों से। तो क्या कर्म करें, भगवान के लिए सुंदर अकर्म करना चाहिए। सकाम कर्म से बंधते हैं और विकर्म से भी बंधते हैं, तो हमें अकर्म करना चाहिए, समझ होनी चाहिए कर्म करने की। उन्हें को आपको समझ नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं अच्छा कर्म भी अच्छा नहीं है, बुरा कर्म तो बुरा है ही है। उन्हें गीता का दूसरा अध्याय का 50वां श्लोक पढ़ाओ,
उसमें भगवान बोल रहे हैं बुद्धि युक्त जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृत, आगे भगवान बोलते तस्मात योगाय योयस्व योग कर्म कौशलम। बस सिंपल सी बात है, उनको बोलो ये समझ जाओ, ये समझ जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और ये नहीं समझोगे तो आप ऐसे परेशान रहोगे, विचलित रहोगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न नहीं है तो इसको वाइंड अप करते हैं। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो वाइंड अप करते हैं, नहीं तो फटाफट हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, हम एक दो क्वेश्चन और ले सकते हैं। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू प्लीज राइट इट हियर। के बाद इनको मोक्ष मिलता है क्योंकि अंतिम संस्कार होता है इनका, और जैसे हम लोगों का कर्म है, कर्म के हिसाब से भगवान देते हैं, फल देते हैं, तो क्या भगवान इनको भी देते होंगे फल पंथ वालों? नहीं नहीं नहीं, इनका कोई मोक्ष वोक्ष नहीं है, ये लोग तो ऐसे ही बस नाम कमा रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं। मुक्ति के लिए भी आपको बहुत सुंदर क्वालिफिकेशन चाहिए। इनका खान पान ही सही नहीं हो पाता जीवन में, तो मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। इनका रहन सहन, इनका मन विचार, इनमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई भक्त होगा, एक आधा, वो भी मैं, मेरे को पता नहीं होगा, नहीं होगा कोई कुछ भक्त जो भगवान को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। मुक्ति के लिए भी बहुत बहुत सिस्टम है, मुक्ति भी ऐसे 2 मिनट में नहीं मिलती। मुक्ति के लिए प्योरिफिकेशन चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भगवान कौन है, मुक्ति का संबंध क्या है, सब कुछ चाहिए। इनमें से बहुत कम लोग विरले है ना, क्या बोलते हैं, मनुष्य नाम सहस्रेषु कंचित यतते सिद्ध है, बहुत हजारों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को नहीं सही तरीके से समझ पाता। इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इनका इनकी प्रोग्रेस यही है कि आगे वाले जन्मों में ये अध्यात्म से सही तरीके से जुड़ेंगे, बस यही इनकी प्रगति है। अगर इनकी अच्छी चेतना, अच्छी भावना है, तो कृष्णा इनको अगले जन्मों में सही जगह जोड़ देते हैं, ये इन पर कृपा करते हैं, बस यही है। अदरवाइज शास्त्र तो इनको रिकमेंड नहीं कर रहा। जो पंच उपासना है, पंच उपासना में बताया गया है कि अगर आप इन 5 की उपासना करते हो तब जाके भी आप मुक्ति के हकदार हो। उसमें है ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य, और 5वां है दुर्गा। इन 5 का नाम लिया जाता है, अगर ये 5 को करते हो तो जाके भी सही तरीके से, और ये करते हुए भी, इन 5 की उपासना करते हुए भी कृष्ण पता होना चाहिए कि कृष्ण भगवान है, तो जाके मुक्ति मिलती है। तो इनको यही नहीं पता कृष्ण भगवान है, इन 5 की उपासना कौन करता है, वो तो कोई और किसी और की उपासना करते हैं। ऑल दिस थिंग्स नॉट पॉसिबल फॉर देम। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रभु जी, प्रभु जी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कब से बने? सुमन मीना माता जी ये कब से बने? ये अभी बने हैं, कुछ टाइम पहले ही, 1000-2000 साल पहले ही बने, ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो ये अभी बने हैं। भगवान ने भगवद गीता में बोला है कि गुण कर्म विभागश, क्या है श्लोक, मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, एक्चुअली चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभागश। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया, मेरी सृष्टि गुण और कर्मों के हिसाब से होनी चाहिए। गुण का मतलब है आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और गुण कर्म, और आपके अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों। क्योंकि गुण कहाँ से आएगा, आपके मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और आपको फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय, इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं। तो उनमें आगे फिर हमने शूद्रों को बोल दिया कि आप ऐसे हो, आपका ये धर्म है, फिर उसमें से फिर ये चार जो है ये चार हमारी सिविलाइजेशन अगर देखा जाए तो ढंग से प्रॉपर जो भगवान ने दिए, तो गुणों के हिसाब से उनको सिविल उनको बनाया जाए। कुछ अनसिविलाइजेशन है जैसे यवन है ना, जैसे मलेच्छ मतलब वो अंग्रेज, यवन मतलब जो यौवन में लगे रहते हैं, जो बच्चा पैदा करने में और सेक्स में लगे रहते हैं, उनको यवन कहते हैं। तो फिर आप, मैं नाम नहीं लूँगा कौन है ये लोग, आप जानते हो। तो ये लोग फिर बात की, ये सिविलाइज लोग नहीं, अनसिविलाइज है। तो ये ऐसे अनसिविलाइज कलयुग, क्योंकि कलयुग कलेर दोष निधन राजन, कलयुग दोषों से भरा हुआ है, तो ये अनसिविलाइजेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, मैंने जो सृष्टि बनाई है गुण और कर्मों के हिसाब से,
कोई ब्राह्मण नहीं है अगर उसको शास्त्र नहीं आते, वो वैसे वो लगा ले वो शर्मा है वो भारद्वाज है, लेकिन वो तो ठीक है, वो उन ऋषियों की औलादे हैं, उनके आगे की संतान है। वास्तव में ब्राह्मण कौन है जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ है, क्षत्रिय कौन है जिसके अंदर रक्षा की क्वालिटीज़ है, वैश्य कौन है जिसमें कमाने की क्वालिटी है, शूद्र कौन है जिसमें सेवा करने की क्वालिटी है। तो ये ऐसे भगवान ने बनाया था, लेकिन हम लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे वर्ण आश्रम बनाओ, वर्ण आश्रम बनाओ, वर्ण आश्रम बनाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, हिमांशु शर्मा प्रभु जी का, गॉड बिकेम मैनी बिकॉज नोबडी कैन एंजॉय अलोन। प्रभु जी प्रभुपाद जी की इस स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। गॉड बिकेम मैनी, एक्चुअली गॉड बिकेम मैनी यहाँ पे ऐसा इसलिए बोला गया कि लोगों को जैसे जैसे ये था माम प्रपद्यंते तार्थ्यते बजामे, हर किसी को अपने अपने हिसाब से चाहिए, तो ठीक है आप इसको मान लो, आप इसको मान लो, आप उसको मान लो, दिस इज़ द वे एक्चुअली, बिकॉज वी वॉन्ट एन्जॉयमेंट, तो हमको उनके साथ मिलता है, इनके साथ मिलता है। इसलिए कोई लोग रजनीकांत को भगवान मानते हैं, कोई लोग अमिताभ बच्चन को भगवान मानते हैं, सबका स्तर ऐसे। इसलिए भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, द्वंद्व मोहे न भारत, तो ये द्वंद्व है, द्वंद्व चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन सुमन मीना माता जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी अगर भगवान को प्रॉपरली समझ नहीं, जो भगवान को अगर प्रॉपरली नहीं समझ पाता तो क्या उसको गोलोक धाम प्राप्त नहीं हो? बिल्कुल नहीं, ना तत् भाष्यते सूर्य ना शशाशको न पावक यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद् धामम परमम, मेरे धाम में जो आ जाता वापिस नहीं आता। और भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो मेरे जन्म कर्म को जान जाता है, एवं वेति तत्व, तत्व से जान जाता है, त्यक्त देह पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन, तो भगवान के जन्म भगवान के कर्मों को समझना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, आप नहीं जान पाओगे भगवान को। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी राजन प्रभु जी का, सतयुग और त्रेता में भगवान का क्या नाम था, किस नाम से भगवान को पुकारते थे? सतयुग में भगवान के बहुत सारे अवतार हुए है ना, भगवान के नरसिंह अवतार, भगवान के और भी बहुत सारे अवतार हुए, वामन अवतार हुए है ना, नरसिंह अवतार हुए, और भी कच्छ अवतार हुए, बहुत सारे अवतार हुए, त्रेता में राम जी का मुख्य अवतार हुआ, द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ, तो अलग अलग नामों से जानते हैं। कलयुग में भगवान का नाम भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और कलयुग के बिल्कुल थोड़ा एंड में, बिल्कुल एंड में नहीं, थोड़ा एंड में नहीं, बिल्कुल एंड में कली की अवतार भी होगा, जिसका ऑलरेडी मेंशन है भागवतम में और अन्य ग्रंथों में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या? अंबिका माता जी का क्वेश्चन है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, when can we experience the reciprocation of God, whatever we are experiencing, is it from God or it from our mind, how to differentiate a Prabhuji? When you are come close to the Shastras, when you are come close to the devotees, when you come close to the atmosphere, then things are positive, much positive. When you are so far from all these things and just you are manipulating by your mind and whatever your mind is saying, you said, okay, that is okay, we are following it and I think that this is right, I think that is right. No. If the devotee who's senior to you and he told you, then you do this thing, this is important for you, and he'll guide you, and you are doing, and you are getting enjoy, it means you are getting experience, this is the way. तो कहते हैं ना कि साधु गुरु, साधु और शास्त्र, और आप फॉलो कर रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है तो यू आर एक्सपीरियंसिंग, अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग एंड यू आर नॉट गेटिंग एन्जॉयमेंट, इट्स लाइक वेरी टफ, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, नेक्स्ट टाइम यू विल गेट एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस वास्तव में क्या है, वॉट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का रियल मीनिंग है विल फॉलो एज इट इज़ एंड वी आर गेटिंग एन्जॉय, इट मीन्स एवरीथिंग इज ऑल राइट। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, हरे कृष्णा ब्लॉग से, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माला करते समय गलत विचार क्यों आते हैं, जबकि उस वक्त तो हम भगवान का नाम लेते हैं? बहुत अच्छी बात है, माला करते समय गलत विचार आना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो गंदी चीज़ें बाहर आती है, तो ये अच्छा साइन, इट्स अ गुड साइन। जब आप कमरे को सफाई करते हो तो मिट्टी के कमरे को झाड़ू मारते हो तो मिट्टी बाहर आती है, तो जब मिट्टी बाहर आती है इसका मतलब क्या है कि सफाई हो रही है। लेकिन आप सोचो मिट्टी आ रही है मैं भाग जाऊँ तो गलत है, आप माला करते रहो, हो सकता है एक दिन, हो सकता है 10 दिन, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 1 साल, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 20 साल, ये आता रहे, लेकिन यू डोंट माइंड, क्योंकि यू आर नॉट ए माइंड एक्चुअली। ठीक है ना, आप माइंड नहीं हो, आप अपना काम करो, कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है, आने दो जो आता है। महाराज बोलते हैं अगर हेमा मालिनी भी आ रही है तो भी आप माला करो, ठीक है ना, तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, इट्स अ गुड साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी,
प्रभु जी काफी लोग ऐसा बोलते हैं, नाम नाम लेके नाम लेके सीमा सुमन मीना माता जी, सुमन मीना ओके। तो प्रभु जी काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान खुद बोलते हैं कि हमें असहाय लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो क्या भगवान ने कभी ऐसा बोला है क्या? भगवान बोलते हैं कि हेल्प करो, लेकिन कौन सी हेल्प करो वो आप भगवान को पता, भगवान क्या बोलते हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन तू आर्य बन, अनार्य मत बन, है ना। कि क्या श्लोक है, कतस्वा कुश में कतस्वा कुश अनार्य जुष्टम अस्वर्ग में कीर्तिम करम अर्जुन। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि सबसे पहले चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, और चैरिटी बिगिन फ्रॉम हिमसेल्फ और आर सेल्फ, अपने से शुरू करो। सबसे पहले आप भगवान का नाम लो। आप किसी पे क्या चैरिटी करोगे, पहले आप चैरिटी समझो है क्या। आप किसी को कुछ पैसा दे दोगे, भूखा, एक कहावत थी बड़े बुजुर्ग बोलते थे, घास हरी की हरी, घसियारा भूखे का भूखा। इसका मतलब है कि घसियारा रोज़ घास काटता है फिर भी भूखा है अगले दिन, लेकिन घास फिर चार दिन में हरी हो जाती है। तो आप किसकी क्या चैरिटी दे के मदद कर सकते हो, ऑलरेडी उसके पीछे के कर्मा उसको बार बार दिक्कत दे रहे हैं, तो उसके कर्मा सुधारने के लिए कार्य करो, ठीक है ना। तो इसलिए प्रभात जी हमेशा एग्जांपल देते थे, प्रभात जी बोलते थे अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता से खो गया और वो बहुत दुखी है और उसको माता पिता नहीं मिले, तो प्रभात जी चार ऑप्शन देते थे। पहली ऑप्शन है उसको कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी खिला दो, और दूसरी ऑप्शन देते थे उसको झूला झूला दो, मेले में खोया ना झूला झूला दो, और तीसरी ऑप्शन देते थे उसको कुछ भरपेट रोटी सब्जी दाल खिला दो, और चौथी ऑप्शन देते थे उसको उसके माता पिता से मिलवा दो, अनाउंसमेंट करो कि मेले में बच्चा खो गया आप पकड़ लो। तो प्रभात जी पूछते थे कौन सा सबसे सुंदर है, तो सब लोग कहते थे ऑब्वियसली उसको माता पिता से मिलवा दो। तो प्रभात जी कहते यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और हम इन तीनों पे काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं बेचारा गरीब है, उसको कुछ खिला देते हैं, उसको कहीं ले चलते हैं। वो गरीब क्यों है भाई, ये तो सोचो, वो ऐसा क्यों है, उसकी स्थिति ऐसा, वो लंगड़ा क्यों है, वो लूला क्यों है, अंधा क्यों है, बहरा क्यों है, वो क्यों है, बिकॉज ऑफ इस कर्मास, इस पास कर्मास। तो उसके कर्मों पर आप रूट कॉज पर काम कर दो, उसके कर्मों को ही शुद्ध कर दो, भगवान के नाम से जोड़ दो। कहते ना, तो जिसका जो भगवान का नाम लेता है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम लेते हैं, हर सर्व जगत निस्तार, पूरे जगत का निस्तार नाम से होगा, तो उसको नाम से जोड़ दो, उसको भगवान से जोड़ दो, उसको ज्ञान से जोड़ दो, उसको सेवा से जोड़ दो ना, तो उसका आंतरिक कल्याण करो। क्या उसके टेम्परेरी कल्याण करने का क्या फ़ायदा, ठीक है। एग्जाम्पल से प्रभात जी बहुत सुंदर बताते हैं, प्रभात जी ने हमारे लिए बहुत सुंदर चीज़ें बनाई हुई है, हमको सिर्फ उसको डिलीवर करना है, तो ये प्रभात जी बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, गोल्ड वाइव स्टूडियो से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गौतम बुद्ध डिफरेंट हैं बुद्धा से, जो कि विष्णु के अवतार हैं, या एक ही हैं? एक ही है, दोनों एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दर्पण हेयर आर्टिस्ट से। धन्यवाद प्रभु जी आंसर के लिए। प्रभु जी लास्ट क्वेश्चन है, इन लोगों को भेजते तो भगवान ही होंगे ना, तो ये उधर ही क्यों पैदा होते हैं पंथ में, राक्षस जाति में? क्योंकि इनके कर्माज है जो इनको बार बार वहाँ पे धक्का देते हैं। इनका कोई डिज़ायर नहीं है, इनके सुंदर सुकृति नहीं है। ऐसे लोगों को प्रसाद खिलाओ, ऐसे लोगों को दर्शन कराओ, ऐसे लोगों को हो सके तो कभी कभी टेंपल लाओ, तो इनका कल्याण हो, ठीक है। सुकृति नहीं है, तो हमारे पास जब तक भक्ति उन्मुख सुकृति नहीं होती, हमारी यही स्थिति रहती है, ठीक है। गीता माता जी पूछ रहे हैं भगवान होते हैं क्या, तो हम ये क्यों कर रहे हैं अगर भगवान होते हैं या नहीं होते। आपका नाम ही गीता है तो आपको तो पूछना ही चाहिए। गीता में ही भगवान बोल रहे हैं कि मैं हूँ और सब कुछ मुझसे, मत परंतर नान्यत किंचि अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणि घणा हुआ, कि सब कुछ मुझसे ही है और वो धागा मैं ही हूँ जिसपे पूरे सूत्र निर्धारित है। और आपको ऐसा लगता है भगवान नहीं होते, आपको ऐसा लगता है ये नहीं होते, तो आपका और मेरे से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमने भगवान को नहीं देखा, हम कैसे मान, देखा तो हमने अपने परदादा को भी नहीं है, क्या वो नहीं थे? कई चीज़ें हम हर चीज़ थोड़ा हमारी देखने की लिमिट है। हम सोचते हैं कि अमेरिका हम नहीं देखा तो अमेरिका नहीं है, नहीं अमेरिका है, तो इसलिए हर चीज़ देखते नहीं है। शास्त्रों से पता चलता है, शास्त्र हमारी माता है, हमें बताती है। और अगर आपका इस पर भी विश्वास नहीं है तो फिर भी आप शास्त्रों को मानते हो, क्योंकि आपने विवाह किया होगा तो वो शास्त्रों के हिसाब से किया होगा, या आपकी मदर ने विवाह किया होगा वो शास्त्रों के हिसाब से किया होगा। आज आप खाना खाते हो, आप उठते हो, आप बैठते हो, आपके घर में जब कोई शरीर त्यागता है तो शास्त्रों के हिसाब से उसका दाह संस्कार होता है, आप कितने सारे काम शास्त्रों के हिसाब से करते हो। तो भैया भक्ति भी शास्त्रों के हिसाब से कर लो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है, सुखी रहोगे आप। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपके मन में जो विचार आया है, लेकिन विचार अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने वैसे भी जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उसने शास्त्रों को नहीं माना, उसने इन चीज़ों को नहीं माना, एक्सपीरियंस करके देखो, 6 महीने हर चीज़ एक्सपीरियंस करते हो
तो ये करके देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा. यू हियर गीता, यू अंडरस्टैंड गीता एटलीस्ट, एंड यू चैंट द होली नेम एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, यू विल गेट रियलाइजेशन 100%. ठीक है. गोल्ड वाइफ स्टूडियो से प्रश्न है प्रभु जी, हम किसी को दंडवत प्रणाम बोलते हैं उससे पहले हरे कृष्णा बोलते हैं, पर हम हरे कृष्ण क्यों नहीं बोलते, क्योंकि भगवान का नाम तो कृष्ण है, कृष्णा तो द्रौपदी का को कहते हैं, क्या ये सही है? हाँ, कृष्णा द्रौपदी का नाम है लेकिन हम कृष्ण बोलते हैं, तो ऐसे कभी कभी बोलने में स्लैग हो जाता है, हरे कृष्णा बोल देते हैं. हरे कृष्ण बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, कृष्णा फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पुराने संस्कार है. नियर बाय कृष्णा इज ओके, ठीक है. और द्रौपदी भगवान की भक्ति है, तो इट्स नॉट ए बिग, इट्स 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 बेटर यू से हरे कृष्ण, बट दैट इज ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, मिसलेनियस स्टफ से कार्तिक प्रभु का, काइंडली एक्सेप्ट माय प्रणाम्स प्रभु, हाउ अनफॉर्चुनेट ऑफ मी टू नॉट हैव एनी टेस्ट फॉर हरि कथा, हाउ टू डेवलप टेस्ट फॉर हरि कथा, प्लीज एनलाइटन प्रभु जी. It will happen if you'll come regularly, on regular basis. That it will happen, you will get the taste. सब चीज़ों का taste regularity से आता है, तो आप आओगे तो धीरे धीरे आएगा. तो don't worry, अभी अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा. You join this group or some other group, you will get enjoyment, don't worry. और इसके अगला question क्या हो गया, सुमन मीना माता जी का हो गया, गीता का हो गया, गीता ने कुछ काट दिया, मिथिलेश शर्मा हो गया, थैंक यू सो मच. उसी क्वेश्चन में क्वेश्चन था जी, क्या था, क्या भगवान बोलते हैं तो लोग, क्योंकि इस्कॉन को उल्टा सीधा, हाँ इस्कॉन को उल्टा सीधा तो सबको बोलते हैं, इस्कॉन को क्या, आपको भी उल्टा सीधा बोलते हैं, पता नहीं आपके कितने क्रिटिक्स होंगे, आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता हमारे कितने क्रिटिक्स है, तो वो तो चलता रहेगा, क्रिटिक्स तो हमेशा आते रहते जाते रहते हैं. क्रिटिक्स पर ज़्यादा फोकस मत करो, फोकस करो कि हाँ कि मुझे सही चीज़ मिल गई है, आई हैव टू जॉइन, आई हैव टू फोकस इट. जो कुछ कर नहीं सकता, तो जिसको कुछ करना नहीं है, कितना अच्छा है कि आप भी मत करो उसको गलत कह के, कितना सुंदर है, वो यही है, ठीक है ना. तो इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है ममता व्यास माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु, भगवत गीता दान कोई लेते हैं, ये मैंने दान हरे कृष्णा करी है, क्या भगवत गीता दान कोई लेता है, नहीं है तो मैंने दान हरी करी है प्रभु जी, 4 भगवद गीता और इच्छा है कि दूं. हाँ तो बिल्कुल दान करो, गीता का दान सबसे बड़ा दान है, तो करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सुंदर है, आप लोग करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, भगवान के लिए कुछ करना सबसे सुंदर करना है, ठीक है, क्योंकि वो असली में भगवान कहते हैं भोक्ता राम यक्तब साम सर्वलोक महेश्वरम, सबसे सुंदर भोक्ता तो भगवान ही है, सब चीज़ों को सही तरीके से भोगते हैं. हम लोगों को तो भोगना भी नहीं आता, हम तो जो भी चीज़ भोगते हैं नाश कर देते हैं, कुछ भी इस प्रकृति की सुंदर चीज़ों को लेते हैं, काजू खाते हैं नाश करते हैं, बादाम खाते हैं नाश करते हैं, अन्न खाते हैं नाश करते हैं, सबको मल बनाते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते. तो भगवान वास्तव में भोगता है, वो हर चीज़ के असली भोग उन्हीं से ही शुरू होता है, ठीक है. तो यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं, समय भी हो गया. हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरि हरि.